हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये है हॉरर हाउस। एडवेंचर गेम। अरे क्या डर रहा है यार, मर्डर हम है ना साथ में। कुछ हो गया तो फिर मुझे क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। अरे सर आ गए। हॉरर हाउस चैलेंज तो ले रहे हैं आप सब लोग, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये वही हवेली है ना जहाँ 2 साल पहले एक फैमिली का मर्डर हुआ था? जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान में इससे डरावनी जगह कोई भी नहीं है। बहुत लोगों ने कोशिश की पर आज तक कोई भी ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं पाया। तो बताओ, क्या आप लोग ये चैलेंज लेना चाहेंगे? जिमी यार, ऑल द बेस्ट। जिमी, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या यहाँ पर? डर किस बात का? मुझे सीआईडी ऑफिसर बनना है, इसी भी प्रद्युमन जी की तरह ब्रेव और स्ट्रॉन्ग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जिमी, आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया हूँ सर, एकदम आपकी तरह। मेरे तरह? सर अगर आपकी तरह रहूंगा तभी तो बड़ा होकर आपके जैसे सीआईडी ऑफिसर बन पाऊंगा। अरे वाह, मेरे जैसे बनना है? सीआईडी में एसी भी बनोगे? वैसे भी ये सब तो फेक है, कुछ रियल है ही नहीं, सब डराने के लिए बना। कुछ देर अंदर रहेंगे फिर चल जाएंगे हम बाहर। अरे डूड, खोलो। रोहित, रोहित खोलना। जिमी ठीक है? जिमी तो अब यहाँ से हम लोगों को अलग अलग जाना है। जिमी सी यू लेटर सुशांत। अरे जिमी प्लीज ओपन द डोर। जिमी कुछ नहीं होगा। रोहित ना यार, गाइस प्लीज कम बैक गाइस।
सुशांत सुशांत क्या हो गया? कल रात को तेरी मॉम का भी कॉल आया था। कुछ तो बोल, तू चल क्लास के लिए चल। कुछ तो प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा, ये क्या हो गया सुशांत? छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो सुशांत, ये तुम्हें क्या हो गया सुशांत? जिमी, मेरा बच्चा। अब मुझे ठीक से बता, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? सर वो कॉलेज आया और स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहा था, मैंने उसे रोका के चल क्लास का टाइम हो गया चल साथ में, और सर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं सर, और वो टेरेस जाके मुझे उसे रोक लेना चाहिए था सर, अगर मैं उसे रोक लेता तो ऐसा नहीं होता सर। जिमी देखो बेटा, अपने आप को ब्लेम मत करो, क्या तुम्हें थोड़ी पता था कि ये ऊपर जाकर ऐसे करेगा? डोंट ब्लेम योरसेल्फ। नहीं सर, कुछ तो प्रॉब्लम थी सर, पिछले दो दिन से सुशांत ऐसा ही है सर, ना किसी से बात करता है, बहुत अजीब बिहेव कर रहा था सर, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, अगर मैंने बात की होती तो सर शायद कुछ चाहिए। पिछले दो दिन से क्या हुआ, क्या था, क्या प्रॉब्लम क्या थी है? हम लोग सर उसको हॉरर हाउस लेकर गए थे, उसका मन नहीं था जाने का, फिर भी उसको फोर्स करके लेके गए थे सर। सुशांत, तुम्हारा मतलब है कि हॉरर हाउस जाने के बाद से ही सुशांत? हाँ सर, कुछ तो हॉरर हाउस में ही हुआ था सर, हम सब भी डरे हुए थे लेकिन सुशांत कुछ ज्यादा ही डरा होता सर, हम उसको सुबह उसके घर पर छोड़ने भी गए, हमें लगा था कि सोने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं सर, परसों रात को ही उसके साथ कुछ हो चुका था सर। भाई मेरी बात सुन, तू सो जा, वो सिर्फ एक गेम था, हमने वहाँ जो कुछ भी देखा वो उसमें से कुछ भी रियल नहीं था सर, फेक था, मेरी बात मान। नहीं जिमी भाई, मेरी बातों का यकीन कर, कुछ भी फेक नहीं था, सब सब असली था भाई, वहाँ पे कुछ तो था भाई, वो अभी भी मेरे साथ है, वो नहीं छोड़ेगी भाई मुझे, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। उसके बात करने के तरीके से मुझे लगा कि वो भी डरा हुआ है, लेकिन नहीं सर, सुशांत सही था, उसे किसी ने मार दिया सर, और मैं बचा नहीं पाया उसे, किसी ने मार दिया सर सुशांत को सर। ये देखो बॉस, ये सीटी स्कैन। किसका? ये एक 80 साल के बूढ़े के ब्रेन का सीटी स्कैन है, इस आदमी को एक बहुत ही भयानक ब्रेन की बीमारी हुई, जरा देखो गौर से इसके ब्रेन सेल्स कैसे सिकुड़ गए हैं। और सर, इस सीटी स्कैन में ब्रेन सेल्स और भी ज्यादा डैमेज्ड है। ये स्कैन किसका? सुशांत। क्या? सुशांत का? एक जवान हेल्दी लड़के के ब्रेन के सेल्स
एक बीमार बुढ़े आदमी के ब्रेन के सेल से ज्यादा खराब? वही तो सबसे बड़ा सवाल है अभिजीत, कैसे? और हमने सुशांत के फैमिली डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि सुशांत बिल्कुल फिट था, ना कोई हेल्थ इश्यूज, ना दिमाग की बीमारी, कुछ भी नहीं। सर, जिमी ने बताया था कि हॉरर हाउस से लौटने के बाद ही इस सुशांत के बिहेवियर में चेंज आ गया था। और सर, सुशांत की माँ का भी यही कहना था कि सुशांत अजीब अजीब सी बातें करने लगा था। उसे लगता था कि उसके आसपास कोई है जो उसे मारना चाहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और सिर्फ दो दिन में सुशांत को स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होने लगे। इम्पॉसिबल। अभिजीत, जिमी की बात सही हो सकती है, ये कोई आत्महत्या नहीं, खून है, खून। पर खून कैसे? लड़की बहुत डरी हुई सी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। हम लोग तो इसकी मदद कर रहे थे, हम लोगों को देखकर भागने लगी और गाड़ी के सामने आ गई। तुम लोग नीना के फ्रेंड्स हो ना, तो तुमने कभी इसे अजीब सा बिहेव करते हुए देखा है? बिल्कुल ठीक थी वो, पर आज जब वो कॉलेज आई बिल्कुल बदली हुई सी बिहेव कर रही थी। पूछने पर कुछ बताया भी नहीं उसने, फिर अचानक से क्लासेस छोड़ के चली गई। मतलब कल तक सब कुछ ठीक था, तो कल और आज के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह से बिहेव करने लगी? कल रात को हम हॉरर हाउस में गए थे और नीना बहुत ज्यादा डर गई थी, हमें लगा कि रात भर आराम से सोएगी तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पे? सर, वो नीना वहाँ पे अचानक से बेहोश हो गई थी। नीना, 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 आर यू ओके? उसके बाद से एक तो अजीब बिहेव करने लग गई नीना, उसे लगता था जैसे उसे कोई मार देगा। क्या हुआ? कोई कोई है वहाँ पे, देखो कोई है। नीना, कोई नहीं, क्यों आए हो? जा, गो। कोई नहीं है वहाँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ चले आते हैं, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार डालेगा। हॉरर हाउस, ये वही हॉरर हाउस है जहाँ पर सुशांत भी अपने दोस्तों के साथ गया था और जहाँ से आने के बाद उसके और इस नीना के दिमाग पर असर होने लगा, अजीब अजीब से वहम होने लगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस हॉरर हाउस में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं सच में नहीं जानता उन दोनों को क्या हुआ है। तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा? हा? इस हॉरर हाउस के बारे में सोशल मीडिया में तुम्हारी कंपनी ने मैसेज शेयर किया है ना, और इसमें साफ साफ लिखा है कि इस हॉरर हाउस में मर्डर्स हुए हैं और जो कोई भी एक रात इस हवेली में रहेगा उसे 50,000 रुपए इनाम में मिलेंगे। हा? और इसमें यह भी लिखा है कि ये हॉरर हाउस बनने से पहले 2-3 लोग यहाँ पे रात में रुके थे जो गायब हो गए, इनका अब तक कोई छता पता नहीं चला है। सर, मार्केटिंग के लिए सब करना पड़ता है, हॉरर हाउस के प्रमोशन के लिए हमने कुछ एक्टर्स से काम करवाया था ताकि लोग यहाँ पर आए। आप चाहे तो हम उनका नाम और पता आपको दे सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं सर। अच्छा, अगर ये सब तुमने मार्केटिंग के लिए किया है तो इसके पीछे असली कहानी क्या है, ये बताओ। सर, यहाँ पर एक बहुत रईस आदमी रहता था अपने परिवार के साथ, विक्रांत, और एक दिन उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया।
किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे चलो समझते क्यों नहीं? पापा कोई नहीं है वहाँ पे। विक्रांत किसकी बात कर रहे हो? कौन है वहाँ पे? पापा कौन है वहाँ पे? विक्रांत पापा क्या हो गया तुम्हें विक्रांत? अरे बच्चे को विक्रांत तुम मरने वाले हो। विक्रांत विक्रांत तुम मरने वाले हो। विक्रांत तेरा विक्रांत तुम मरोगे। विक्रांत विक्रांत मेरी बात सुनो। विक्रांत जो मारना चाहते तुम लोग तुम मारो चुप क्यों? ये मेरी बात सुनो विक्रांत पापा। कैसे मारो कैसे मारो? सबको मार दिया मैंने मुझे मुझे मारेगी। हाँ सर, विक्रांत के बारे में मैंने न्यूज में देखा था सर। ये जगह वैसे ही भूत बंगले के नाम से बदनाम थी, तो क्यों ना इससे कुछ पैसा कमाया जाए। तो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को ये चैलेंज देकर तुमने पैसा कमाने का नया तरीका निकाला हा? मगर तुमने सोचा, तुम्हारे लालच ने दो दो बच्चों की जान ले ली। सर आपको पता है ना हॉरर हाउस क्या होता है? यहाँ पर सब कुछ नकली होता है सर। डराने के लिए डेड बॉडीज की जगह नकली एक्टर्स होते हैं, खून की जगह लाल रंग होता है, लाउड नॉइजेस होती है, दैट्स इट सर। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिससे किसी को खतरा हो। सर सर डॉक्टर साळुंके का मैसेज है, नीना के सिटी स्कैन से पता चला कि उसके ब्रेन सेल्स बहुत तेजी से उसी तरह डैमेज हुए हैं जैसे सुशांत के केस में हुए थे। अब बोलो, अगर ये सब नकली है, नाटक है, तो किसी के दिमाग पे इतना बुरा असर कैसे पड़ सकता है? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, आज रात इस हॉरर हाउस में हम लोग रुकेंगे। पता तो चले बिजनेस के नाम पे यहाँ पे कौन कौन सा खेल खेला जा रहा है। जी, इस हवेली का मालिक महेश और उसका स्टाफ कुछ गड़बड़ लग रहा है। लगता है वही लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग रूम में जाएंगे अकेले। इतना तो पता है ना सबको कि इन लोगों ने ऐसा कुछ इंतजाम करके रखा है कि जिससे सबको डर लगे है? पंकज बी वेरी केयरफुल है ना, इस हवेली में दो लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, इसलिए चौकन्ने रहना ठीक है? हाँ सर। हर चीज को ध्यान से देखना है ठीक है, बी अलर्ट। दरवाजे तक जाना है तो सबको पार करके जाना होगा।
ग्रास। पंकज, 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 क्या हुआ? हैं? पंकज, क्या? पंकज, संभाला? सब ठीक हो? ठीक तो हो? क्या हुआ? पूरी, रेडी, इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। पंकज, पंकज, चलो, चलो। संभाल के। पंकज, क्या हुआ? क्या हो रहा है ये सब? हैं? इसकी हालत देखी आपने? कौन सा खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सब कुछ नकली है। जिन्हें आपने देखा होगा वो सब जूनियर एक्टर्स हैं, हाथ में चाकू लिए हुए। और सर, वो विक्रांत की होलोग्राम इमेज है। सर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को खतरा हो। तुम एक ही बात को हजार बार कह लो, मगर एक बात साफ है, यहाँ कुछ तो है जो जो ठीक नहीं है। बॉस, पंकज की हालत अब पहले से बेहतर है। उसका सीटी स्कैन किया गया है और स्कैन में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे कोई चिंता हो। ये बहुत अच्छी बात हुई कि आप लोगों ने बिल्कुल सही वक्त पर पंकज को हॉरर हाउस से बाहर निकाल दिया। समझ में नहीं आ रहा है, हम सब लोग थे वहाँ हॉरर हाउस में, और कुछ कमरे ऐसे थे जहाँ पे थोड़ा डर लगे, घबराहट जैसी हो, तो हम तुरंत दूसरे कमरे में चले जाते थे। पंकज ने भी यही किया होगा। सिर्फ उसी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके दिमाग में इतना गहरा असर हो गया? सर, सुशांत और नीना अपने अपने दोस्तों के साथ वहाँ हॉरर हाउस में गए थे, लेकिन असर सिर्फ इन दोनों पे ही हुआ, इनके दोस्तों पे कोई असर नहीं हुआ था, सब नॉर्मल थे। सर, हो सकता है उस हॉरर हाउस के किसी खास कमरे में वो चीज़ हो जिससे इंसान के दिमाग पे बहुत बुरा असर करता है। ये पंकज, सुशांत, नीना उस कमरे में गए तो उनके दिमाग पे असर हुआ, बाकी के लोग उस कमरे में गए नहीं तो असर हुआ नहीं होगा। हो सकता है गया, हो सकता है, पर कौन से कमरे में, ये कमरा कौन सा है, ये तो पता लगना चाहिए। सर, मुझे वहाँ पे विक्रांत की डायरी मिली, जिस दिन उसने अपनी फैमिली का फोन करके आत्महत्या की, उसके कुछ दिन पहले इसने लिखा है, या मैंने फिर से उन्हें देखा, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, वो लोग हर जगह पे मेरा पीछा करते हैं, मैं रात को सो नहीं पाता, किसी पे भरोसा नहीं है मुझे, उस शैतान ने सबको अपनी तरफ कर लिया है। और हैरानी की बात यह है कि इसके पहले जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई खतरे और डर की बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है सर, सुशांत और नीना की तरह। बात समझ में नहीं आ रही अभी, ये विक्रांत, इस विक्रांत ने अपने पूरे खानदान का कत्ल कर दिया, उसने डर के मारे उसने अपनी जान ली, आत्महत्या कर ली। नहीं अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत और नीना की तरह किसी ने विक्रांत को ही मार डाला? आत्महत्या नहीं, खून है विक्रांत का। पर क्या हुआ होगा विक्रांत के साथ, क्या हुआ होगा, पता कैसे चलेगा? सर, विक्रांत की फैमिली में सिर्फ एक लड़की जिंदा है, उसकी बड़ी बेटी राधिका। राधिका? सर, अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ इसीलिए, क्योंकि उस दिन मैं शहर से बाहर थी, एक ट्रिप पर गई थी, और जब वापस आई उनकी डायरी पढ़ी थी हमने, उससे पता चला कि 10 सितंबर से पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उसके बाद से उन्हें किसी से डर लगने लगा, अपनी जान खतरे में महसूस होने लगी 10 सितंबर। सर, 10 सितंबर को तो हमने डैड का 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया था, सब लोग आए थे, फैमिली, फ्रेंड्स, और सर डैड तो बहुत ज्यादा खुश थे। सर, बट डैड के बर्थडे के बाद ही उनका बिहेवियर चेंज हुआ था। अभिजीत, मतलब विक्रांत के साथ जो कुछ भी हुआ है उस बर्थडे पार्टी में ही हुआ है, पर क्या
ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से विक्रांत परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया? क्या हो सकता है? राधिका, आप बता सकती हैं उस दिन बर्थडे में कौन कौन आया था? उस दिन के फोटोग्राफ्स और वीडियो भी चाहिए हमें। पूरी रात पार्टी में विक्रांत बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लेट नाइट को उसका किसी के साथ तो झगड़ा हुआ। मैंने दूर से देखा था, बहुत जोर जोर से बहस हो रही थी। किसके साथ? अजय, विक्रांत का बेस्ट फ्रेंड। विक्रांत कैसा आदमी था? साहब, बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे माँ बाप ने, अपनी बेटी की शादी विक्रांत से करवा के। साहब, उसे नहीं जीना था तो वो खुद मर जाता, लेकिन मेरी बहन और बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी? विक्रांत के मरने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी राधिका के नाम पे चली गई होगी ना? नो नो सर, विक्रांत के बिजनेस में या उसकी प्रॉपर्टी में राधिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था सर। उसके परिवार के बाद वो पूरी टूट चुकी थी, एक रुपया नहीं दिया था सर उसने, बल्कि ज्यादातर पैसा उसने चैरिटी के लिए दे दिया। और विक्रांत का बिजनेस? सर, उनके कजन है दीपक, वो संभालते हैं। दीपक? विक्रांत की मौत के बाद उसके पूरे बिजनेस की कमान तुमने संभाल ली है ना? क्योंकि विक्रांत की फैमिली में कोई बचा ही नहीं, सिर्फ राधिका के सिवा। और राधिका ने बिजनेस और बाकी सारे प्रॉपर्टी में से अपने आप को दूर कर लिया था, इसलिए है ना? जी, सभी को मालूम है कि विक्रांत मेरा कजिन था और किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी, लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, विक्रांत और उसकी फैमिली के साथ जो भी हुआ उसका अफसोस सबको है, वो एक हादसा था, साजिश नहीं। हाँ, आप लोगों को लगता है कि विक्रांत ने आत्महत्या नहीं की, मर्डर किया है किसी ने उसका, मैंने मारा है उसे और सुपारी देकर ये काम मैंने करवाया। सर, वो मेरा बहुत जिगरी यार था, जिगरी, हम दोनों के बीच में बिल्कुल एकदम भाइयों जैसा प्यार था सर। पर हमें तो पता चला है कि काफी समय से तुम दोनों की दोस्ती में काफी दरार पड़ गई। दरार नहीं सर, सर वो क्या है ना कि फ्रेंडशिप के बीच में जो तकरार होती है और प्रॉब्लम्स होती है, बस वैसे ही कुछ हुआ था, लेकिन सर बाद में हमने पैचअप कर लिया था। सर सर, मेरी बात जरा गौर से सुनिए कि अगर हम दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती तो क्या वो मुझे पार्टी में इन्वाइट करता? राइट, और उसी पार्टी में तुम्हारा जबरदस्त झगड़ा भी हुआ था विक्रांत के साथ। झगड़ा? हमारे पास एक गवाह है। अब नहीं नहीं सर, नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था। वो क्या था कि 3-4 पैक अंदर जाने के बाद बस हम दोनों हाइपर हो गए थे और उसके बाद हम दोनों में भैंसाबाजी शुरू हो गई थी, दैट्स इट। हद करते हैं मैम आप लोग, पूरी दुनिया जानती है कि विक्रांत ने अपनी फैमिली का मर्डर करके खुद सुसाइड कर लिया। हो सकता है उसकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, पुलिस ने भी ये केस क्लोज कर दिया है, तो आप फिर क्यों 2 साल बाद मुझे इस केस में फंसाना चाहती हैं? आई मीन, मैं ऐसा क्यों करूंगी? देखिए, हमें तो बस इतना पता चला है कि विक्रांत की कंपनी में बरसों काम करने के बाद भी आपको प्रमोशन नहीं मिला। इनफैक्ट विक्रांत तो आपको नौकरी से निकालना चाहते थे और फिर अचानक विक्रांत की मौत के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेहतर हो गई। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने विक्रांत का खून करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, इज दैट यू वांट टू से? आप लोगों को लगता है कि मैंने विक्रांत को उकसाया कि अपनी फैमिली को मारकर खुदकुशी कर ले, इस बात का आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? दीपक, विक्रांत के 50वें सालगिरह के पार्टी में तुम तो गए थे है ना, तो गिफ्ट भी लेकर गए होंगे। अब 50वां बर्थडे जो था, क्या क्या लेकर गए थे जरा बताओ तो। अजी, 2 साल में मैंने कई लोगों को अलग अलग गिफ्ट दिए हैं, कैसे बता पाऊंगा कि विक्रांत को क्या दिया था? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, आई थिंक सिर्फ कार्ड ही दिया था, लेकिन सर ये अचानक बीच में गिफ्ट की बात कहाँ से आ गई? और मुझे नहीं याद कि मैंने उसे क्या गिफ्ट दिया था, ये 2 साल पहले की बात है मैम, और फिर किसी को कोई गिफ्ट देना कोई गुनाह थोड़ी है। जी, मैंने विक्रांत को उसके फेवरेट ऑथर की नई बुक गिफ्ट करी थी, लेकिन उसको किसने क्या गिफ्ट किया ये बता पाना मुश्किल है, आप जानना क्यों चाहते हैं? इन सबसे पूछताछ कर लिया सर, ये चारों लोग अजय, दीपक, दिव्या, नंदन, चारों गड़बड़ लग रहा है। सर, इन लोगों से सच उगलवाना बड़ा मुश्किल है।
हाँ सर, 2 साल हो गए हैं इस बात को। कोई सबूत गवाह मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसी बात का फायदा उठाया है इन लोग। अगर इतना तो तय है कि इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है, और वही है विक्रांत का काफी। अभिजीत, फिर भी एक सवाल उठता है कि अगर किसी ने भी एक चीज गिफ्ट दी है जिसकी वजह से इंसान का दिमाग खराब होता है, तो फिर विक्रांत का ही दिमाग खराब क्यों हुआ उस चीज की वजह से? वहां पर और भी तो लोग थे उस घर में, उनको कैसे कुछ नहीं हुआ? हाँ सर, विक्रांत के परिवार में 5 लोग थे, नौकर चाकर अलग, उन्हें भी तो असर होना चाहिए था, पर उन पर कुछ नहीं हुआ। जैसे अब 2 साल बाद जितने भी लोग वहां पर गए थे, किसी पे कोई असर नहीं हुआ सिवाय पंकज, सुशांत और नीना। पंकज बताओ, कौन से कमरे में गए थे और कैसे कैसे गए? ये कॉरिडोर था सर, मैं सीढ़ियों से नीचे आया सर, ये कॉरिडोर क्रॉस करके यहाँ हॉल में गया सर। हॉल में सर फिर वो मेरा पैर पकड़ा सर, मैं घबरा गया सर, फिर मैं यहाँ से भागा, फिर इस कॉरिडोर में आया सर, और यहाँ पर कहीं पे शायद मुझे वो विक्रांत दिखा और सब में। हाँ सर, पंकज हमें यहाँ इस कॉरिडोर में मिला था यहाँ पर, और नीना को उसके दोस्तों ने भी इसी जगह पे देखा था, और सुशांत भी यहाँ इसी जगह पे मिला। तो सर वो जो कुछ भी है जिसकी तलाश है हमें, शायद यहाँ आसपास कहीं होना चाहिए। पर सर वो हो क्या सकता है? वहाँ पर तो एंटीक्स, पेंटिंग्स, न जाने क्या क्या था। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो लोग मारे गए? सर, विक्रांत की मौत 2 साल पहले हुई थी, और इन दोनों की मौत अभी अभी हुई है 2 साल बाद। ऐसी कौन सी चीजें वहां पे जिसकी वजह से ये सब मौतें हो रही है? वो क्या चीज है कातिल जानता है। सीआईडी की टीम ने ये कहा है कि उस रात पार्टी में जो कुछ हुआ वो हमसे एक बार फिर जानना चाहती है। इसी जगह जहां पार्टी हुई थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, उस रात कौन कहां था और क्या कर रहा था? अरे एसी पे सर अभी तक क्यों नहीं आए? मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। एक काम करते हैं, एसी पे सर को कॉल कर लेती हूँ। प्लीज। अरे तुम लोगों को जो कुछ करना है करो, मैं तो चला, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। अरे एक पल भी नहीं रुकना मुझे। अरे सुनो यार, हेलो सर, मैं दिव्या, आपने हम सबको हॉरर हाउस में बुलाया था ना, हम लोग आ गए हैं। हाँ जी, मैं नंदन, अजय और दीपक। क्या आपने बुलाया ही नहीं? ऐसी कोई बात ही नहीं हुई? ओके सर। क्या हुआ? एसीपी का कहना है कि उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। अरे ये हो क्या रहा है? पता नहीं, शायद किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो जल्दी चलो। कहाँ चलते हैं? ऊपर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करेंगे हम? अरे ऐसा निकलेंगे यहाँ से बाहर हम? कोई दूसरा रास्ता तो होगा। हाँ ढूंढो, दूसरा रास्ता ढूंढो निकलने का बाहर। चलो चलो जल्दी चलो, होना चाहिए कोई रास्ता। एक काम करो, तुम वहां देखो, मैं वहां देखता हूँ। अरे कोई है? ये क्या तमाशा है सर, आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? परेशान नहीं कर रहे थे, सिर्फ परीक्षा ले रहे थे, और परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया, पता चल गया है खूनी कौन है। आप सबको इस हॉरर हाउस के उस हिस्से में बंद किया गया था जहां ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और इंसान को अजीब अजीब से वहम होने लगता है, और उस चीज के बारे में कातिल को पता है, और उसी चीज की वजह से कातिल पहचाना भी गया। जाहिर सी बात है, कातिल उस चीज को नोटिस करेगा, उससे दूर जाने की कोशिश करेगा,
क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि जहर वाला केमिकल का असर उस पे हो जाए। चारों तरफ दरवाजे बंद थे, वो भी यहीं फंसा था, इसलिए उसने उस चीज को छूने की गलती की। और इस कमरे में क्या क्या हुआ, सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। सबको लगता था कि विक्रांत एक अच्छा इंसान है, लेकिन ये सच नहीं था। वो बड़ा ही घटिया इंसान था। उसका अफेयर मेरी पत्नी से हो गया था। मेरी पत्नी को इस गलती का एहसास था। उसने विक्रांत से दूर जाने की बात कही तो विक्रांत उसे धमकाने लगा, कहने लगा तुम्हारे पति को बता दूंगा, उसको नौकरी से निकाल दूंगा। शर्मिंदगी में मेरी पत्नी ने खुदकुशी कर ली। और इसलिए तुम विक्रांत से बदला लेना चाहते थे? मेरा एक दोस्त केमिस्ट में था, मुझे उस टॉक्सिन जहर के बारे में मालूमात पड़ी। मुझे पता लगा ये एक ऐसा केमिकल है जिससे इंसान दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है। मैंने विक्रांत को गिफ्ट देने के लिए एक एंटिक लालटेन खरीदी और उसकी बत्ती को उस केमिकल में डिप करके उसे गिफ्ट दे दिया। जब जब विक्रांत उस लालटेन को जलाता तो उस बत्ती से उठने वाला धुआं कमरे में फैल जाता। विक्रांत पर उस जहरीले धुएं का असर वैसे ही होने लगा जैसा मैं चाहता था। धीरे धीरे वो पागल होने लगा और एक दिन उसने पागलपंती में अपने पूरे खानदान को खत्म कर दिया और खुदकुशी कर ली। किसी को ये बात की खबर तक नहीं हुई कि इस केमिकल की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और एक दिन केस बंद हो गया। बाद में विक्रांत के इस घर को महेश के फादर ने खरीद लिया। महेश ने इसे हॉरर हाउस बनाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो लालटेन अभी भी यहीं थी, स्टडी रूम में नहीं, कॉरिडोर में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। सच बोल रहा हूँ, मुझे जब पता लगा कि उस जहरीली लालटेन की वजह से 2 साल बाद भी लोग मर रहे हैं तो मैं घबरा गया। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था लालटेन को यहाँ से निकालने के। नंदन हर मुजरिम यही सोचता है कि उसने बड़े चालाकी से अपने काम को अंजाम दिया और अब उसे कोई पकड़ नहीं सकेगा। लेकिन सारे के सारे मुजरिम यही भूलते हैं कि कानून को कोई ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकता। एक न एक दिन तो वो पकड़ा जाता ही है। नंदन, तुम्हारे इस बदले की आग ने कितने सारे लोगों की जानें ले ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।